हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट बॉडी कमांड के बारे में। ठीक है, अगर आपको किसी भी बॉडी को दो हिस्सों में कट करना हो या अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिखाने के लिए मैंने एक ब्लॉक ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं फीचर में मोर में जाऊंगा, उसमें आपको आएगा स्प्लिट बॉडी। अब जब आप स्प्लिट बॉडी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले आप जब स्प्लिट बॉडी में जाओगे तो उसमें आएगा फेस और प्लेन, न्यू प्लेन, एक्सट्रूड और रिवॉल्व। ये चार तरह से आप किसी भी बॉडी को कट कर सकते हो या दो हिस्सों में बना सकते हो। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको फेस और प्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक प्लेन चाहिए होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डेटम प्लेन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेटम प्लेन ले, अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे कहीं भी मैं एक डेटम प्लेन लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने ले लिया ये डेटम प्लेन, ऐसा मैंने डेटम प्लेन ले लिया। अब मैं जाऊंगा स्प्लिट बॉडी में। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जाऊंगा फेस और प्लेन में। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पूछेगा टारगेट बॉडी, यानी कि कौन सी बॉडी को मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये वाली है मेरी ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा मुझे सिलेक्ट फेस और प्लेन, यानी कि किस फेस के अकॉर्डिंग या किस प्लेन के अकॉर्डिंग आपको उसे कट करना है। तो मुझे इस प्लेन के अकॉर्डिंग कट करना है, तो ये वाली फेस और ये प्लेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दो हिस्सों में कट हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ हाइड करके। हाँ, अब देखा आपने, ये दो हिस्सों में आपको कट करके दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप दो ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये तो हमने प्लेन लेके देखा। अगर हमारे पास प्लेन ना हो और हमें इंस्टेंट प्लेन चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मोर में जाता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट बॉडी में जाऊँगा। अब मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा, ये है हमारा न्यू प्लेन। तो जैसे कि मेरे पास कोई प्लेन नहीं है यहाँ पे और मुझे इसे कट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट टारगेट बॉडी, तो मैं टारगेट बॉडी सिलेक्ट कर, यानी कि मुझे इसे को कट करना है या फिर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई प्लेन, अब मेरे पास प्लेन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे कोई भी प्लेन ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे बाइसेक्टर चाहिए या किसी भी एज पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे बाइसेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे बाइसेक्टर में जाऊँगा, उसके बाद ये वाली और ये वाली सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्लेन ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर ओके कर दूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप प्लेन बन गया और जहाँ भी हमने चाहा था वहाँ प्लेन आ गया और यहाँ पे दो हिस्सों में वो कट भी हो गया। तो इस तरह से हम बॉडी को कट कर सकते हैं या फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जब आप एक बार करोगे तो आपको आ जाएगा। अब उसमें दूसरा ऑप्शन आता है एक, ये हमारा, अब हमने फेस और प्लेन देखा, न्यू प्लेन देखा, अब हम जाते हैं एक्सट्रूड में। जब आप एक्सट्रूड में जाओगे तो आपको क्या पूछेगा कि एक्सट्रूड की मदद से आप बॉडी को दो हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट बॉडी, यानी कि जो बॉडी को आपको स्प्लिट करना है वो बॉडी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर्व। अभी यहाँ पे आपने कोई भी एक कर्व ड्रॉ नहीं किया, अगर आप चाहें तो पहले ड्रॉ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाके कोई भी एक फेस सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लो। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना देता हूँ, ऐसा मैंने एक स्क्वायर बना दिया, फिर फिनिश कर देता हूँ, तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर भी आ गया, क्योंकि ये वेक्टर इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी है या फिर हमने जो स्केच ड्रॉ किया है वो कैसे एक्सट्रूड होगा, तो ऐसे एक्सट्रूड होगा। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे एक्सट्रूड नहीं होगा, इसलिए ये ऐसे ही एक्सट्रूड होगा, इसलिए आ रहा है। और फिर जब मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से कट हो गया पीछे की तरफ, थ्रू हो गया ये बॉडी के थ्रू आउट। अब मैं हाइट पेरेंट्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दो हिस्सों में कट हो गया, एक बाहर वाला था और एक हमने ये जो स्क्वायर ड्रॉ किया था वो वाला था। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में आ गया, देखा आपने। तो ये भी बहुत आसान है, आप जब एक बार ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। अब लास्ट है हमारा, वो है हमारा एक्सट्रूड कर लिया, अब है रिवॉल्व, ये है हमारा लास्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको बॉडी सिलेक्ट करनी है, ये कर ली मैंने। उसके बाद कर्व, तो कर्व आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप कर्व ड्रॉ कर लो। इस बार मैं कर्व ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डेटम प्लेन में जाऊँगा और मुझे चाहिए एक कर्व, तो मैं कर्व कहाँ ड्रॉ करूँगा, तो इसमें बाय सेक्टर ले लेता हूँ, मैं एक बाय सेक्टर प्लेन ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो प्लेन लिया हमने डेटम प्लेन, उस पर मैं एक स्केच करूँगा, फिर ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ इसको, फिर मैं जाऊँगा स्प्लिट बॉडी में। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट बॉडी, सबसे पहले मैं बॉडी सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट कर्व, कौन से कर्व को आपको करना है, तो ये वाला कर्व, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सॉरी ये एक्सट्रूड आ गया, यहाँ पे रिवॉल्व करना है, ओके। तो ये सबसे बॉडी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद कर्व भी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद वेक्टर। तो ये कैसे घूमना चाहिए, तो ये ऐसे ऐसे घूमना चाहिए ऊपर की, तो इस एक्सिस के, जेड एक्सिस के अराउंड घूमना चाहिए, तो मैं जेड एक्सिस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई पॉइंट, तो पॉइंट यानी कि कौन से पॉइंट के अराउंड घूमना चाहिए, तो ये वाला मुझे सिलेक्ट करना है, बीच वाला पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जाके बीच वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, सेंटर वाला, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दिया, और आप देख सकते हैं ये स्प्लिट हो गया। तो कैसे स्प्लिट हो गया, ये इसके अराउंड स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा कट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखा आपने, सिर्फ इतना ही बचा और ये दूसरा पार्ट वो वाला बचा, ठीक है। तो ये ऊपर के कट हो गया, ऊपर से इतना, ये पूरा इतना ही था, ये पूरा इतना था, और ये वाला ऊपर वाला कट हो गया, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में बट गया है अभी। तो इसकी मदद से आप किसी भी बॉडी को दो हिस्सों में बांट सकते हो, रिवोल, एक्सट्रूड या न्यू प्लेन या फिर फेस ऑफ प्लेन की मदद से, ठीक है। तो आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।